नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को बैंकों के कुछ ऐसे नियम बताने वाले हैं जो कि 1 जुलाई 2021 से पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो आप लोग को वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग की जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि पिछले करीब 6 दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रहे थे। इसका रीज़न यह है कि अभी मैं गया हुआ था मिर्ज़ापुर घूमने, वहाँ पर मैंने 3 वाटरफॉल को कवर किया जिसका मैंने पूरा वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोग उन वीडियो को देखना चाहते हो तो उसको मैंने अपलोड किया अपने दूसरे चैनल पर जिसका नाम है आवारा राइडर। तो अगर आप लोग भी अच्छी अच्छी जगहों को घूमने के शौकीन है तो आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर उन सभी वीडियोज को देखिए और अपना रिस्पॉन्स हमें जरूर बताइए। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहला अपडेट है IDBI बैंक की तरफ से। तो अगर आप लोग का IDBI बैंक में कोई भी अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट, IDBI बैंक ने अपने सभी अकाउंट्स के लिए सर्विस चार्जेस को इंक्रीज कर दिया है जो कि इफेक्टिव हो जाएंगे 1 जुलाई 2021 से, जिसमें आपका चेकबुक से रिलेटेड सर्विस चार्जेस को इंक्रीज किया गया है। कैश डिपॉजिट जो आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है उसके भी, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो उसके जो चार्जेस है उनको भी इंक्रीज कर दिया गया है। लॉकर, अगर आप लोग लॉकर में कोई चीज़ रखते हैं तो उसके भी रेंट को इंक्रीज किया गया है। ATM ट्रांजेक्शन अगर आप लोग करते हैं तो उसके भी ट्रांजेक्शन को इंक्रीज किया गया है, जिसका मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है अच्छी तरीके से। तो अगर आप लोग वीडियो को देखना चाहते हो, IDBI बैंक के कस्टमर, तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग IDBI बैंक के जितने भी सर्विस चार्जेस बढ़ाए गए हैं उन सभी सर्विस चार्जेस के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। दोस्तों दूसरा अपडेट है बैंक मर्जर को लेकर। तो जितने भी बैंकों का मर्जर हुआ था उन सभी बैंकों ने यह 30 जून 2021 तक का लास्ट डेट दिया था आपके न्यू FSC कोड को अपडेट कराने के लिए, न्यू माइकर कोड या फिर ब्रांच कोड हो, नया चेकबुक हो, पासबुक हो इत्यादि, या इसके साथ ही स्विफ्ट कोड। तो अगर आप लोगों का बैंक मर्जर वाला है तो आप लोग को 30 जून 2021 तक अपने सभी अपडेट करवा लेने, चाहे वो माइकर कोड हो, ब्रांच कोड हो या फिर IFSC कोड हो, नहीं तो आपका ट्रांजेक्शन रुक जाएगा। इसके साथ ही आप लोग अपने ब्रांच विजिट करके अपना न्यू पासबुक और चेकबुक भी ले लीजिए। इसमें सबसे पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी 30 जून 2021 तक का सभी कस्टमर्स को टाइम दिया था जिसमें मर्ज हुआ था देना और विजया बैंक। तो देना और विजया बैंक के जितने भी कस्टमर हैं वो अपना ब्रांच विजिट करके या फिर ऑनलाइन ही अपना IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा जो मर्जर हुआ तो वो यूनियन बैंक में आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक का हुआ था। तो इसकी भी लास्ट डेट 30 जून 2021 है। 1 जुलाई के बाद आप लोग पुराना IFSC कोड, माइकर कोड, चेकबुक या फिर पासबुक हो, स्विफ्ट कोड हो या फिर ब्रांच कोड, उसको आप लोग यूज नहीं कर पाओगे। तो अभी 2-3 दिन का और टाइम है, आप लोग अगर अभी तक अपडेट नहीं करवाया तो आप लोग ब्रांच विजिट करके या फिर ऑनलाइन अपडेट करवा लीजिए। इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तीसरा जो बैंक मर्जर हुआ है वो इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का हुआ है। तो इसका भी सब कुछ चेंज हो जाएगा 30 जून 2021 तक का। इन सभी बैंक ने ट्विटर पे ऑलरेडी अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया कि 30 जून 2021 के बाद आप लोग 1 जुलाई के बाद से आप लोग पुराना IFSC कोड, माइक्रो कोड इत्यादि यूज नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही केनरा बैंक में मर्जर हुआ है सिंडिकेट बैंक का। तो इस सिंडिकेट बैंक के भी जितने भी कस्टमर हैं वो पुराना IFSC कोड, माइक्रो कोड, ब्रांच कोड या फिर स्विफ्ट कोड या फिर पुराना चेकबुक, पासबुक इत्यादि 1 जुलाई 2021 के बाद यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोग इसको इन चारों बैंकों का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो चारों बैंकों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप लोग ऑनलाइन IFSC कोड या फिर स्विफ्ट कोड, ब्रांच कोड या फिर माइक्रो कोड पता कर सकते हैं और कैसे आप लोग को अपना न्यू पासबुक और चेकबुक के लिए अप्लाई करना है। तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिए। इसके साथ ही न्यू अपडेट है KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। तो जो लोगों ने भी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिया हुआ है उसको भरने की लास्ट डेट हो वो 30 जून 2021 है। अगर आप लोग 30 जून 2021 के बाद के पहले अगर अपना जो लोन लिया हो उसको आप लोग भरते नहीं हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है और भविष्य में आपका जब सिविल स्कोर खराब हो जाएगा तो फिर आपको भविष्य में अगर इन फ्यूचर कोई भी लोन लेने जाओगे तो आपको लोन भी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी कि अगर आप लोगों ने KCC के तहत कोई भी किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है तो आप लोग 30 जून 2021 के पहले उसको अपने बैंक में जाकर या फिर अगर ऑनलाइन भी करता हो तो ऑनलाइन भी आप लोग जमा कर सकते हो। इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो
बनाया हुआ है तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन पे भी दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। इसके साथ ही जो नेक्स्ट अपडेट है वो SBI के बारे में, तो SBI अगर आप लोग का अकाउंट SBI में है और जीरो बैलेंस से भी अकाउंट है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि SBI ने अपने सभी प्रकार के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट या BSBD अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट से रिलेटेड सर्विस चार्जेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने का फैसला किया, जो कि इफेक्टिव हो जाएगा 1 जुलाई 2021 से, जिसमें आपका कैश विड्रॉल चार्जेस, चाहे आप कैश विड्रॉल करते हो ATM के थ्रू या फिर ब्रांच विजिट करके, दोनों ही सूरत में आप लोग का जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है उसको इंक्रीज किया गया है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर आप लोग करते हो तो वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन कैश विड्रॉल चार्जेस में ATM और ब्रांच विजिट करके अगर आप लोग करते हो, यानी कि कैश विड्रॉल अगर आप करते हो तो फिर उसके लिए चार्जेस को इंक्रीज किया गया है। साथ ही चेकबुक अगर आप लोग इशू करवाते हो तो उसके भी चार्जेस को इंक्रीज किया गया है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो कि कितना चार्जेस इंक्रीज किया गया है, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी या फिर ऊपर आई बटन पे, वहां पे क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा अगर आप लोग का SBI में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट BSBD या फिर जनधन अकाउंट है। तो इसके साथ लास्ट अपडेट है, आधार कार्ड को पैन कार्ड से जो लिंक करने की डेट थी वो 30 जून 2021 थी, लेकिन अभी हर बार की तरह ही इसे एक बार फिर से 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। आज की ही न्यूज आई है, इसको एक्सटेंड करके अब 30 सितंबर 2021 कर दिया गया, यानी कि अब अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया हुआ है तो अभी आप लोग को 3 महीने का और टाइम दिया गया है, आप लोग अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लीजिए। अगर आप लोग को नहीं पता कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक किया जाता है तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे, वहां पे क्लिक करके आप लोग सारा वीडियो देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को जितने भी बैंकिंग अपडेट थे जो कि 1 जुलाई 2021 से पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे उसके बारे में मैंने आप लोग को पूरा जानकारी दे दी। एक बार फिर से मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे दूसरे चैनल जो ब्लॉग का चैनल है उसको जरूर आप लोग वहाँ पर एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आप लोग को घूमने फिरने का शौक है तो फिर आप लोग वहाँ पर भी अच्छे अच्छे वीडियो देख सकते हो, उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।